ओम शांति मैं ईभा अथाविया फ्रॉम स्वाधा एन जी ओ सोशल अप्रीवमेंट एंड डेवलपमेंट फॉर हेल्थ एक्शन ये एक संस्था है जो महाराष्ट्र में बॉम्बे में है और हम लोग कल्याण से ऑपरेट करते हैं जो होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए सोशियो इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट फॉर पुअर एंड नीडी पीपल के लिए हम लोग काम करते हैं हमारा मेन फोकस है ट्राइबल वेलफेयर वेमेन एम्पावरमेंट एंड हेल्थ एक्शन प्रोग्राम हम लोग कैंसर के लिए फुल बॉडी चेकअप करती हैं हम लोग ट्राइबल वेलफेयर के लिए जो काम करते हैं वेमेन एम्पावरमेंट का जो काम है वो सब कुछ हमारा रायगढ़ थाना डिस्ट्रिक्ट एंड पालघाट डिस्ट्रिक्ट में करते हैं मैं मैनेजिंग ट्रस्टी एंड प्रेसिडेंट टू स्वाधा एन का लास्ट दस साल से हम लोग काम कर रहे हैं एंड हम लोग मेनली वेमेन एम्पावरमेंट के लिए जो काम करते हैं वहाँ पे हमारा तीस औरत ऐसे है कुछ लोग कैंसर पीड़ित महिलाएं हैं कुछ लोग डिस्टिट्यूट महिलाएं हैं कुछ ट्राइबल वेलफेयर है जो महिलाओं को हम लोग ला के वहाँ पे उनको वोकेशनल ट्रेनिंग करके वो महिलाओं के रोजी रोटी दे रहे हैं साथ साथ हम लोग जो ट्राइबल वेलफेयर करते हैं गांव-गांव में जाके एक एक स्कूल में अडोप्ट करते हैं जहाँ पे हमारा कोई सैनिटेशन नहीं था वो स्कूल को हम लोग सैनिटेशन प्रोजेक्ट बना के देते हैं एंड उस उसके साथ हम लोग आ, उनको यूनिफॉर्म वेमेन को आ, हेल्थ के बारे में जानकारी सेल्फ डिफेंस कोर्स सब कुछ कराते हैं मैं एक फिजिकली चैलेंज्ड लेडी हूँ लेकिन किसी भी तरह मेरा ज़िंदगी में वो कुछ भी असर नहीं किया मैंने टी आई सी से, से एम एस डब्ल्यू किया है उसके बाद हमने हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर मैनेजमेंट किया है मैं स्वीडन में भी कैंसर पीड़ित लोगों के ट्रेनिंग लिया है एंड मैं कैंसर काउंसलिंग के लिए बहुत सारे काम किया है एंड अभी भी कर रहे हैं मैं महिलाओं को बताना चाहती है कि ये जो हमारे दोनों हाथ नहीं है मैं आर्टिफिशियल हाथ लेके काम करती हूँ एक बार हमें हिम्मत होना चाहिए जो हिम्मत हमें आगे देती है और ये आगे एक बार आप हिम्मत करके आगे आ सकते हैं तो सब कुछ आसान है और ये जो अभी आज मैं बम्बा कुमारियों के यहाँ पे आए हैं यहाँ पे मुझे एक अलग इंस्पिरेशन मिला है यहाँ पे मैं सब लोगों को देख रहे हैं जो इस तरह से उन लोग डेडिकेटेड होके एजुकेटेड होके जो काम किया है वो भी हमारे लिए बहुत इंस्परेशन दायक है एंड ये यह, यहाँ पे हमारा जो मेडिटेशन करने का बाद हमें एक काम करने का और जोश आ गया है ये जोश के साथ हम आगे और पीड़ित लोगों के साथ सेवा करना चाहते हैं हमें एक लोनावाला में हॉस्पाइस हम संस्था की तरफ से डालने वाले हैं जहाँ पे कैंसर एंड एच आई लोगों को हम लोग रखना चाहते हैं मैक्सिमम 250 से 300 लोगों को एकोमोडेशन का हम एक हॉस्पाइस स्टार्ट करना वहाँ पे चाहते हैं हमें लैंड भी मिला है सो so, हमें चाहते हैं कि हमें बॉम्बे के बड़े बड़े जो सी एस आर करते हैं वो कमेटी हमारे साथ आए और हमें मदद करे और हमारे ये जो मन की शांति हम यहाँ के लिए आए थे ये हमें बहुत अच्छा लगा एंड यहाँ पे जो पीस हमें मिला है वो पीस हमारे काम को आगे बढ़ाने के लिए और मदद कर रहे हैं